ये सनातन की बेस है जी। अच्छा, जो इस चीज को मानेगा वो सनातनी कहलाएगा। बिल्कुल, भले चाहे मुसलमान भी क्यों ना हो। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि सनातनी वो होगा जो शास्त्रों को मानेगा, अभी आपने कह दिया है कि सनातनी वो होगा चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। शास्त्रों को जीने का बोला सास। मेरे कहने का मतलब ये है, शास्त्रों को जिएगा, जिएगा तो शास्त्रों में सिर्फ ये दो चीजें हैं या और भी हैं? मुझे क्या वो आगे नहीं बढ़ने दिया आपने? नहीं नहीं, सुने थोड़ा सा आगे बढ़ने देते ना गीता से। मनीष भाई, मैं साथ साथ देके चलिए। देखिए, गीता इस वक्त मामला नहीं है, इस वक्त है ओवरऑल शास्त्र। चलो साइड में रखते हैं। आपने पहले बोला कि सनातनी वो है जो शास्त्रों को मानता है, जिंदगी में लेकर चलता है, उनका पालन करता है। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सनातनी वो है जो जीव हत्या से बचे और अहिंसक हो, हिंसा ना करे। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ दो चीजें आपने कहा जी, दो चीजें जो इसमें आ जाएंगी चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो भी सनातनी होगा। तो ये तो पहली बात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब आपने कहा शास्त्रों के अंदर ये चीज है, तो मैंने पूछा शास्त्रों में सिर्फ ये दो चीजें हैं या और भी हैं? और भी बहुत है। ठीक है ना, जीना तो कैसे, रहना कैसे, खाना कैसे, बहुत कुछ है और भी, मगर ये अच्छा। दो चीज हो गई ना जिसमें, वो सनातनी, ये दो चीज अच्छा। बहुत जरूरी। अच्छा, इन दो चीजों के अलावा कोई चीज, इन दो चीजों के अलावा कोई चीज ना भी हो तब भी वो सनातनी है? वापस बोलिए सर। इन दो गुणों के अलावा कोई गुण ना हो तो भी वो सनातनी है? मेरे हिसाब से है। प्रमाण दे दें। कैसे दो प्रमाण आपको बताइए? प्रमाण ये देना है कि सनातनी होने के लिए ये दो गुण दरकार हैं। अगर इन दो गुणों से अधिक कोई गुण ना हो तो कोई मसला नहीं है। प्रमाण दे दें। शास्त्रों में लिखा। किधर दे प्रमाण? प्रमाण तो मुझे देखो ज्यादा कुछ याद नहीं। ओहो, तैयारी किसकी की थी फिर? आप तो बता रहे थे मैं तैयार हूँ। पूरी मैं गीता की तैयारी करके आया था। देखा, अरे आप फिर हक तेरे क्या ही कह दे अंतर्यामी स्वीट स्वामी। ए तो गीता की तैयारी करेंगे सीजन टू के अंदर। अभी हम ओपन फ्री स्टाइल में चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था अमनेश भाई, इसके ऊपर तो आपकी तैयारी होगी, आई होप सो। वो ये है मनीष भाई, की जो सनातन धर्म शब्द है मनीष भाई, अच्छा ये सनातन धर्म शब्द वेद में आया है कहीं? नहीं। तो फिर सनातन धर्म क्यों कहते हैं इसे? मालूम नहीं, चाहता हूँ मुझे, बस लोग बोलते हैं, हम नहीं मान लेते हैं। मनीष भाई यार, आप बड़े प्यारे भाई हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कह रहे हैं इसका भी आपको नहीं, आप बता दीजिए ना जानकारी मुझे, आपको मालूम होगा ना, आप बताइए ना जरा मुझे। मनीष भाई आप भी ना बड़े नॉटी हैं यार, बड़े शरारती हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। मजा आया आपसे बात करके। बात तो बड़ी मुख्तसर सी हुई मगर क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा देखें, मैं तो ये चैलेंज दिया था आज से डेढ़ साल पहले, और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि कोई बंदा वेदों के अंदर इस धर्म का नाम सनातन मुझे दिखा जाए तो मैं मुंह बोला इनाम भी दूंगा और खुद भी सनातनी हो जाऊंगा। आज तक कोई सामने नहीं आया, ना आर्या समाज जी, ना कोई स्वामी, ना कोई पंडित, जो मुझे ये दिखा सके कि जिस धर्म को आज आप मान रहे हैं वो सनातन धर्म है। मैं इसके बारे में आपको कल बता सकता हूँ। चलें ठीक है, कल मनीष भाई आप मुझे बता दीजिएगा। मनीष भाई इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे फॉलो कर लें, वहां अपडेट कर दीजिएगा, कल बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। मनीष भाई जी हमारे बड़े प्यारे भाई थे। ओहो, एक्स मुस्लिम बच गया भैया रगड़े गए, एक्स मुस्लिम बच गया गीता वर्सेस कुरान पर बवाल हो गया, एक्स मुस्लिम निकल गया गीता वर्सेस कुरान पर विवाद हो गया।
भैया रगड़े गए। तैयारी नहीं चलती आवाज़े हक पे, यहां दलाइल चलते हैं, सत्य चलता है, प्रमाण चलते हैं। कमाल है, कमाल है। अच्छा मुसलमान दोस्त छोड़ दे भाई, ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी ओनली मुस्लिम स्ट्रीम में हमारी बारी नहीं आ रही, हमें लिंक नहीं ज्वाइन कर पा रहे। मुसलमान दोस्त क्यों ज्वाइन कर रहे हैं प्यारे भाई, क्यों मुझे गुनाहगार करते हैं? मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, थैंक यू। मैं आपको आखिरी बार ब्लॉक करने लगा था मगर आप बच गए जी। अच्छा जी योहान तो आता रहता है, कट्टर हिंदू करके कोई आए हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू नटराज जी। भैया कैसे हैं जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्या समाज से हैं प्यारे भाई या नॉर्मल सनातनी हैं आप? जी मैं नॉर्मल। ठीक हो गया, नॉर्मल हैं, थैंक यू, थैंक गॉड आप आर्या समाज से नहीं हैं और नॉर्मल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कट्टर हिंदू भाई, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या पहले भी आए हैं प्यारे भाई? नहीं मैं आपके पास में शायद एक दो बार पहले भी आया हूं। अच्छा पहले भी आए हैं तो फिर वेलकम, ठीक हो गया। अच्छा कट्टर हिंदू भाई, सनातन धर्म के ऊपर इतनी स्ट्रीम्स हुई हैं और आप जैसे कट्टर सनातनी भाइयों की मुझे आवश्यकता थी, जब वो आते और प्रयास करते, कुछ व्याख्या करते, कुछ टिप्पणी करते, कुछ सीखते सिखाते समझाते समझवाते। अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आए हैं, चलें कोई नहीं, स्वागत तो फिर हम हर घर में आए मेहमान का करते हैं। तो कहिए, क्या कहिएगा जी? देखिए मेरा आपसे, आपने क्वेश्चन आंसर रखा है तो मेरा प्रश्न ये है कि जो कुरान में जो आयते हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को, वो मतलब कैसे उनको वो हासिल हुई, ये आप बताएं। आपको वाकई नहीं पता? नहीं, मैंने आपके जो इसका इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये उनको फरिश्तों ने दिया है, मतलब नाजिल किया है, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा थे। हाँ मैं ना आपको एक आसान तरीका बताऊं जी, हाँ इस मसले के हल का आसान तरीका बताऊं जी, बताएं। सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ एक मिनट, तो मैं आपके सामने आसान हल इसका रख देता हूं, बहुत आसान हल, शायद कि आप इसको समझ पाए। और अगर हेलो, आमिर भाई आपकी आवाज चली गई। जी 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 मेरी आवाज आ रही होगी, मैं असल में एक रेफरेंस आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ताकि आप समझे। मैंने निकाला तो है, आई होप सो यही होगा। ये जरा पढ़ें, ऋग्वेद है मंडल एक, सूक्त 31 है और मंत्र है एक, ये पढ़ें। जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है, फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जबरदस्त, बस इस तरह ही प्रॉफिट्स के अंदर मित्रता के कारण जो सत विद्या का प्रकाश होता है ईश्वर के द्वारा, और वो फिर सब प्राणियों की सुख का, उनके सिद्ध करने का, उनकी कल्याणकारी का कार्य करते हैं। सिंपल, ठीक है, जवाब वो जो आपको समझ आए, इस तरह होता था, ठीक है ना?
नहीं तो उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने कोई फरिश्तों का नाम लिया था। वो आप उनसे पूछें, वो आप जिन्होंने जिनसे आपने पूछा उनसे पूछें, वो आपको डिटेल में बताएंगे। हो सकता है आपने सवाल उनसे कुछ और पूछा हो, मुझसे जो पूछा है मैंने वो आपको वेद से दिखा दिया, ऐसे होता था। इसको बोलते हैं अरबी जुबान में, इस सत विद्या के प्रकाश को बोलते हैं वही या इल्हाम, इसको बोलते हैं वही। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनको वो आयतें उनको खुद से ही तो अंदर से ही तो मिली होंगी, उन्होंने खुद से ही तो वो बनाई ना, किसी ने उनको दिया तो नहीं। एग्जैक्टली नहीं, तो फर्क समझे लो, बहुत अच्छे। अब भी मैंने मंत्र, इसका मतलब है आपने मंत्र ही नहीं पढ़ा। हो हो, काश काश आप लोग वेद को, कट्टर हिंदू नाम रखने से बात अगर बन जाती होती तो मैं भी रख लेता। ये देखे जरा स्क्रीन पे, सुनिए कट्टर हिंदू में, सुनना नहीं है अब देखना है। तो ये तो लिखे हैं ना ऋषियों ने, ये तो खुद से लिखे हैं उन्होंने। जी ओ जी, झूठ लिखा है सच लिखा है कट्टर हिंदू साहब? झूठ लिखा है सच लिखा है? झूठ लिखा है या सच लिखा है, लेकिन उन्होंने खुद से लिखा है वो, झूठ लिखा है या सच लिखा है? क्योंकि मुझे पता हो ना, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा आप कौन से सनातनी है। या तो आप कहेंगे झूठ लिखा है, या आप कहें सच लिखा है। अगर सच लिखा है तो चाहे ऋषियों ने लिखा हो, चाहे मैंने लिखा हो, चाहे आपने लिखा हो, सच तो सच होता है, सच बदल सकता है नहीं। अच्छा मैं अब आपको बताने लगा, तो बात बदल जाएगी। फिर उस मित्रता से, इस मित्रता से जो ईश्वर से होती है, उस मित्रता से उनकी आत्माओं में सत विद्या का प्रकाश होता है। मित्रता किसकी है? ईश्वर की। तो विद्या का या वेद का, वेद बेसिकली चलो चार वेद तो कह दिए गए, मगर वेद को वेद क्यों कहते हैं? नॉलेज, वो लिखे हुए हैं ऋषियों ने, विद्या हुए हैं उनको, खुद से कोई ज्ञान मिला उन्होंने खुद से लिख दिया। नहीं भाई, आप ये कह रहे हैं ना शतपथ ब्राह्मण के अंदर तो कुछ और लिखा है। शतपथ जो ब्राह्मण है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, उसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ईश्वर ने चार ऋषियों के ऊपर प्रकाश किया था वेद का। ये तो आर्य समाज मानता है ना इस चीज को, आर्य नहीं शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण आर्य समाज के अलावा भी लोग, बल्कि लो लो ये सुन लो, आर्य समाज तो जो चार भागों में वेद का विभक्त करता है ना, उसमें वो संहिता को मानते हैं, ब्राह्मणास को नहीं मानते। पुराणिक तो ब्राह्मणास को भी वेद का अंग मानते हैं, इसीलिए तो कुछ लोग पुराने क्या वो मानते हैं वेद में इतिहास है। तो अगर आप आर्य समाजियों के अकॉर्डिंगली भी चलना है तो वो तो मानते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, वो उसके अकॉर्डिंग भी ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है, और मुझे इसके मानने में कोई आपत्ति और कोई मुझे शक और शंका नहीं है कि जिन पर वेद आए होंगे ना स्टार्ट के अंदर, अब उनकी हालत क्या है क्या नहीं, ये हाँ आपत्ति मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। तो इसमें कोई आप डिफरेंस कर सकते हैं जो कि खुद स्वामियों को भी है, मगर जब फर्स्ट ऑफ ऑल जिन पर वेद आए होंगे ना, तो मैं ये मानने में मुझे कोई इसमें कोई संदेह नहीं करे कि क्वाइट पॉसिबल कि ईश्वर ने उनको ये वेद का प्रकाश उनके आत्माओं पर डाला होगा। ठीक है, अच्छा देखिए जो तो, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो आप शतपथ ब्राह्मण, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये उनको ईश्वर ने दिए हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं कोई भी ईश्वर, क्यों फिर भाषा होनी चाहिए ना, फिर जिसको दिए हैं उसकी भाषा वही होनी चाहिए और जिसने दिए हैं उसकी भाषा सेम होनी चाहिए, तो ये नहीं है सही। ये मैं भी नहीं मानता हूँ उनको, ये लिखे गए हैं और खुद अच्छा, से ही लिखे हैं इंसानों ने। हाँ अच्छा, ये आप मानते हैं हाँ। आप फिर मेरे ख्याल से शायद पुराने या कट्टर हिंदू नहीं है, वरना आप ये चीज ना मानते होते, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ऋषियों ने लिखे हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ऋषियों ने, इसीलिए जो संहिताज हैं उनमें कई जगह के ऊपर ऋषि विश्वामित्रा का जिक्र आ जाता है, ठीक है ना, और दूसरे ऋषि का जिक्र आता है, उनके कुल का जिक्र आता है, पूरी फैमिली का, क्योंकि उन मंडलों को, जैसे ऋषि यज्ञवल्क्य हैं, उनका उनको गायत्री मंत्र की खोज हुई, गायत्री मंत्र जो है उसकी खोज ऋषि यज्ञवल्क्य की थी, या सॉरी या विश्वामित्र की थी, सॉरी दो ऋषियों को कहते हैं क्योंकि दो बार आया गायत्री मंत्र यजुर्वेद में और दूसरी जगह पर, तो दो मुख्तलिफ ऋषियों को उसके मुख्तलिफ किस्म के जो उसकी प्रकाश है वो पड़ी, उन पर प्रकाशित हुई। तो ये बात अलग है, अगर ये कहना कि भाई वो ऋषियों ने ईश्वर से पाकर वो प्रकाश उन ज्ञान को प्रस्तुत नहीं किया था, मैं ये समझता हूँ ये सनातनी नहीं ये आरोप लगा सकता, ये बहुत बड़ी जरूरत है जो किसी सनातनी को नहीं करनी चाहिए। और अभी तक किसी सनातनी ने जो धार्मिक हो, ठीक है, पारंपरिक किस्म की विधि से संबंधित हो, कम से कम उसको ये जरूरत नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है आप कट्टर हिंदू नहीं है, आपने शायद ये नाम ऐसे रख दिया हुआ है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, मुझे शक है, बुरा मत मानिएगा, मुझे शक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो वेद है वो 1500 BC के पहले ऐसा आता है कि भाई उनको ये उन्होंने खुद से बोले और बाद में इनको लिखा गया 7वीं या 4थी शताब्दी के आसपास में। मैं आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है।
एक थ्योरी है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, इसमें आपके पास भी प्रमाण मौजूद हैं जो कि ओरिएंटलिस्ट ने पेश किए, जैसे मैक्स म्यूलर था और राल्फ ग्रिफ्ट था और जॉर्ज बोलर, यानी मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने सनातन शास्त्रों के ऊपर काम किया। इवन स्वामी विवेकानंद जो भी हैं, उन्होंने भी जब बात किया तो वेदों के मैनुस्क्रिप्ट के हवाले से उन्होंने भी इसको इतना डेट बैक किया, उन्होंने कहा ये एग्जिस्टेंस का पता चलता है। इसीलिए फिर उन्होंने बाद में कहा ये ओरल ट्रेडिशन थी, उसमें फिर उन्होंने कई खानदानों के नाम दिए हुए हैं, करीबन 300 के करीब खानदानों के नाम दिए हुए हैं, 300 ऑलमोस्ट ट्राइब्स हैं जिनके थ्रू वो कहते हैं कि वेद हम तक पहुंची है। मैंने इसका जिक्र भी किया था, मेरा प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग वेदास 5 एपिसोड, उसके अंदर मैंने इसका डिटेल में जिक्र भी किया था कि वेदास जो हैं वो किन फैमिलीज के थ्रू हम तक पहुंचे हैं, बट उनका ओरल ट्रेडिशन का भी एग्जैक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है। खैर कट्टर हिंदू भाई, मैं ये बात इसलिए कर रहा था, असल विषय की तरफ वापस आ जाते हैं अगर आप चाहें। तो ये जो थ्योरी है ना जो आप पेश कर रहे हैं कि ऋषियों ने खुद से खुद किया, वो खुद से खुद इसलिए आपको फील होता है क्योंकि ये पर्सनल आपका एक्सपीरियंस। मान लीजिए मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर मलाइका आते थे ना कट्टर हिंदू भाई, तो वो नॉर्मल यानी एंजल्स फरिश्ते, ठीक है, जिनको आमतौर पर फरिश्ता कहते हैं, मलाइका वर्ड है अरबी में, ब्लैक वर्ड है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट अब समझाने लगा हूं। तो वो नॉर्मल इंसान को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नजर, वो चीज एक्सपीरियंस नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे ऋग्वेद के मंडल 1 के इस 31वें सूक्त के अंदर ये बात बताई गई है कि जो ईश्वर के मित्र होते हैं, ईश्वर का उन पर ऐसा खास आशीर्वाद होता है कि उनकी आत्माओं में सत विद्धि का प्रकाश पड़ता है। अब ये तो हकीकत है कि ईश्वर से हटकर किसी के पास कोई विद्या नहीं हो सकती, यानी जितनी भी विद्याएं इस दुनिया के अंदर फूटी हैं वो ईश्वर के ज्ञान से फूटी हैं, ईश्वर ने चाहा उसने आत्माओं पर प्रकाश किया। साइंस विज्ञान का हो यानी परा हो या अपरा हो, दोनों तरह की विद्या, परा अपरा, दोनों तरह की विद्याओं का प्रकाश ईश्वर की जानिब से हुआ है, मुझे इसमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी तरीके से उनका एक्सपीरियंस भी होता है, लिहाजा मैंने ये ऋग्वेद की मिसाल आपके सामने कट्टर हिंदू भाई किसी रीजन किसी कारण रखी है, वो ये है इस चीज का इंकार कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जी। थैंक यू। कि आत्माओं में ही प्रकाश होता है सतविद्धि का, आपका ख्याल भी आपकी आत्मा के अंदर डलता है, नेक ख्याल, अच्छा ख्याल, अपनी माता पिता की सेवा करना, ये ख्याल भी ईश्वर के द्वारा ही आप पर आता है, तभी आप नेक कार्य करते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक जो एंजिल हैं, जो फरिश्ते हैं, उन्हों को वो आयतें मिली खुदा से, और फिर खुदा ने वो आयतें दी वापस से एंजिल को, और फिर एंजिल से ये आयतें पहुंची पैगंबर मोहम्मद के पास, ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी बोला है? कुछ भी, एक जुमला भी, आप इस तरह का एक जुमला भी बताएं मुझे, जरा ट्राई करें, क्यों ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब करते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही नहीं है इस वक्त, ठीक है? नहीं, पहली बात, आपने अभी फरिश्तों का नाम लिया था ना, मैं आपको समझाता हूं कि उनको देवीय वो दोस्त के क्या आपने कुछ बोला था कि उनके थ्रू ये आए? हाँ नहीं, मित्रता, मैंने नहीं, आप हाँ मित्रता, हाँ मित्र, मित्र, मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बड़ी फिलोसफिकल बात करना चाह रहा था, मगर आपने बड़ा ही गर्क कर दिया पूरी मेरी फिलोसफी का। नहीं, आप मेरी बात समझे आमिर भाई, आप मेरी बात समझे, मैं आपसे ना बिल्कुल एक बड़े लेवल पर, एक ऐसे लेवल पर बात करूं जिसको पर्सनली बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है ज्ञान के आधार पर या अपने रीजन के आधार पर। आपने कहा नहीं मुझे टेढ़ी खीर बना के समझाओ, तो अब वो समझाऊंगा और मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। काश आप मेरी बात उस तरह समझते, अब कुरान खोल रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, कुरान खोल रहा हूं तो आपको बता देता हूं, 3 तरीके से कलाम होता है, ठीक है? तो वो मैंने एक वीडियो भी है, ऐसे करें आसान कर देते हैं, समय बचाते हैं, वेद से तो मैंने जवाब दे दिया, पीछे लोग बैठे हैं, समय बचा लेते हैं, आसान करते हैं। कट्टर भाई, एक वीडियो है इनकारे हदीस इज अ रोड टू एथिज्म, मेरे ख्याल से वो आपके लिए तो बैन होगी क्योंकि आवाज़ हक लाइव बैन है इंडिया में, और आवाज़ हक अनसेंसर्ड तो हम तो आपसे बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मगर अनसेंसर्ड पे बात कर रहे हैं, जो मेरा चैनल है आवाज़ हक लाइव वो बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको पसंद नहीं आई मेरी बात, ठीक है? अच्छा। अब आप समझे, चले आसान कर देता हूँ। देखिए, मैंने जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था ना, वो बेसिकली आपको समझाने के लिए इसलिए रखा था कि आप समझें इंटरनली जब रेवलेशन होती है वो उसका मैकेनिज्म क्या है। वो मैकेनिज्म ये है कि एक आदमी के अंदर, ठीक है, जो कि ईश्वर का मित्र होता है,
उसके अंदर प्रकाश पड़ता है सत विद्या का ईश्वर के द्वारा, वहां से उस पर सत विद्या का प्रकाश पड़ता है। रेवलेशन इस तरीके से होती है, अंबिया पर भी ऐसे होती थी। अब ईश्वर के द्वारा आत्माओं में सत विद्या प्रकाश प्रवेश कैसे करती है, यानी ये ज्ञान प्रवेश कैसे करता है, ये आपके लिए समझना असंभव है, आपके और मेरे लिए। पता क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी ईश्वरी प्रकाश सत विद्या का प्रकाश उस तरीके से होते नहीं देखा है जिस तरह ऋषि मुनियों पर होता रहा है, वो आपने और मैंने नहीं देखा। मिसाल के तौर पर आसान लफ्जों में बताता हूँ, आपको पता है आपने ब्लूटूथ वाला फोन यूज किया कभी जिसमें ब्लूटूथ होता था? हाँ, हम जब अपनी टीनेज में थे ना या कॉलेज से आगे बढ़े तो फोन आए जिसमें ब्लूटूथ था। तो होता ये था कि ब्लूटूथ से कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल दूसरे फोन के अंदर ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर हो जाती थी। तो अब जब वो ट्रांसफर हो रही होती थी ना तो ब्लूटूथ डिवाइस आपको कहती थी स्टे क्लोज, अदरवाइज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपने क्लोज रहना है। ठीक है, उस वक्त मैं कई दफा बैठ के ये चीज सोचता, मैं कहता था यार मुझे कोई चीज जाती दिखाई नहीं दे रही, एक फोन से दूसरे फोन में वो डाटा वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते आपको दिखाई नहीं दे रही मगर जा रही है, क्योंकि दूसरे थोड़ी ही देर बाद चंद सेकंड्स या मिनट्स के बाद दूसरे फोन के अंदर वही फाइल कॉपी होकर ब्लूटूथ के जरिए आपको नजर आती थी। ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरीके से इंफ्रारेड जो डिवाइस होती थी फोन की, वो रेड कलर की लाइट निकलती थी एक फोन से, फोन को दूसरे फोन के साथ जोड़कर रखना पड़ता था और इस तरीके से मामला होता था। आज देखें ईमेल्स के थ्रू मैं लाखों मील दूर आपसे फाइल वीडियो चीजें ट्रांसफर कर सकता हूँ ईमेल के थ्रू। लिंक्स जनरेट होते हैं हाइपर लिंक्स, ठीक है, मैं लाखों मील दूर बैठ के यहाँ पर एक लिंक डालता हूँ और जनाब वो फाइल कोई ना डाउनलोड कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। अब मैं बीच में आपको वो फाइल पहुंचा रहा हूं, पता किस चीज के थ्रू? उस लिंक के थ्रू। मलाइका वो लिंक हुआ करते थे, अब आप समझे मिसाल से, मलाइका वो लिंक थे जो ब्रिज करता था ईश्वर में और उस प्रॉफिट के अंदर जिसको वो ज्ञान ईश्वरी सत विद्या प्रकाश होना होता था। इससे बेहतर मैं एग्जांपल नहीं आपको पेश कर सकता। अब ये है, जब मलाइका का कॉन्सेप्ट आता है तो आपके ध्यान में आता है शायद मलाइका ऐसे दिखते हों, ऐसे हों, अब लोगों ने उस पर तफ्तरे किए, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ये होंगे। मलाइका को किसी ने भी नहीं देखा हुआ, लिहाजा कोई भी एक्सप्लेन नहीं, आप और मैं उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने आपको आसान लेवल पर समझाने के लिए ऋग्वेद का ये प्रमाण दिया जिसमें लिखा है कि ईश्वर के जो मित्र होते हैं एक समय आता है जब उनके ऊपर ईश्वरी ईश्वर जो है सत विद्या का प्रकाश उनकी आत्माओं में करता है, वो जागते हैं और जागृति के बाद समाज की और मनुष्य जाति की कल्याणकारी के लिए उन्नति के लिए कार्य करते हैं, सिंपल। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब इसलिए मतलब इनका वेदों का आप समर्पण वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ जो सिस्टम है जो कुरान की आयतें आई हैं और जो हमारे वेद आए हैं इन दोनों को आप सेम समझते हैं कि दोनों एक ही तरीके से आए हैं, यही आप मानते हैं ना, इसलिए आप इसको सही मानते हैं। एक है, दो चीजों में फर्क समझना, नहीं, एक है ऐसे आए होंगे और एक है ऐसे आए हैं। तो वेदों के मामले में कहता हूँ कि अगर ये ईश्वरीय है ना तो ऐसे ही आए होंगे, मुझे दिक्कत नहीं है। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने शतपथ ब्राह्मणास को कोट किया, शतपथ ब्राह्मण भी यही कहती है, ठीक है, वो ये कहती है कि चार ऋषि थे, अग्नि, वायु, अंगिराज और चौथा कौन है याद है आपको? अग्नि वायु अग्नि वायु अंगिरा और एक और याद नहीं आ रहा मुझे, देखो मुझे भूल गया, चार है, अग्नि वायु अंगिराज, चौथे का नाम लें यार कमेंट के अंदर कोई, देखो मेरे ध्यान से निकल गया, क्यों निकल गया यार, कोई बात नहीं, इन्लिल्लाहि व इन्ना, चलिए कोई नहीं, वो तो हाँ उतर जाता है ध्यान से, हाँ निकल जाता, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, आदित्य 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 अग्नि आदित्य, ये प्रजापति के बेटे थे, प्रजापति जिनको आमतौर पर ब्रह्मा कहा जाता है, आदित्य उनके बेटे थे। तो आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, ये चार थे जिनको ईश्वर ने वेद का ज्ञान प्रकाश किया, लिखित में नहीं था, पुस्तक की सूरत में नहीं था, क्योंकि उनकी आत्माओं पर सत विद्या का प्रकाश किया जैसे वेद में लिखा हुआ है। थैंक यू भाई, कटर भाई, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आपने वाकई कॉन्सेप्ट समझना था आई थिंक दिस वॉज द इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कटर भाई आपकी मर्जी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, जी 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 हाँ,
ठीक है आमिर भाई। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए कि क्या कभी पैगंबर मोहम्मद जो हैं कभी भी जैसे उनका जैसे जैसे तो जो पैगंबर मोहम्मद हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कभी खुदा की इबादत करी होगी या उनका वो ध्यान करते होंगे तो उनसे भी तो वो उनको वो चीजें मिल सकती है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या, आपको नहीं लगता ऐसा? अच्छा नहीं कभी उन्होंने उनके बारे में, हाँ मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये डिटेल टॉपिक है, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब रिवील आई ना, रिवेलेशन आई है, जब रिवील हुआ है उससे पहले करीबन डेढ़ एक महीने से करीबन कुछ लोग 40 दिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2 महीने थे, डिफरेंट रवायात आपको मिलती हैं, तो कमोबेश डेढ़ एक महीना 1.5 मंथ अल्लाह के रसूल लोगों से कट कर गारे हिरा में जाकर अकेले बैठकर इबादत किया करते थे। अब कोई सोच सकता है कि वो तो खुद प्रॉफिट थे, उन्होंने बताया कि इबादत कैसे करनी है, तो वो कैसे इबादत करते थे प्रॉफिट बनने से पहले? तो उस वक्त इबादत का जो तरीका था ना वो दीन इब्राहिमी का वहां पर राइज था, यानी सलात का तरीका वैसे ही। अब होता क्या था ये याद आपने रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां अकेले जाकर ध्यान लगाते थे, अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ ध्यान लगाना, तो उस ध्यान के बाद अल्लाह ने चूंकि मुंतखब किया यानी उनको चूज किया हुआ था, प्लान था उसी चीज के हिस्से का, तो सबसे पहले वही उनकी गारे हिरा के अंदर आई। अब यहाँ एक सवाल है जो शायद जिस वजह से आपके ध्यान में आ रहा है वो ये है कि क्या अल्लाह के रसूल ने प्रॉफिट बनने के लिए ये ध्यान लगाया? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स कटर भाई। ऋषि मुनि या सनातन धर्म की फिलोसफी, कटर इंदु भाई इसको गौर से सुनिएगा, सनातन धर्म की फिलोसफी ने तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञाएं या त्याग, ये सारी चीजें मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती हैं, वेयर एज इस्लाम में प्रॉफिट्स इस बेस के ऊपर नहीं चुने जाते। प्रॉफिट्स बेसिकली अल्लाह का खास फजल होता है जो वो उनको चूज करता है, ठीक है ना, खास फजल, यानी वो जब ये इबादत कर रहे होते हैं ना, ईश्वर को याद उनका ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि मुझे प्रॉफिट बनना, कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता। तो लिहाजा ये कहना कि वो उसके बाद उनको ये चीजें मिली, लिहाजा वो चाहते ये थे कि वो प्रॉफिट बने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये दो चीजों में फर्क है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो एक ही है ना, तो प्रॉफिट तो एक ही है, तो प्रॉफिट प्रॉफिटहुड और चीज है। देखें प्रॉफिट समझा जाएगा प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट के बाद, प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, whereas जो आप बात कर रहे हैं ना जो ऋषि मुनि है उस जगह पर हम सेंट्स को रख सकते हैं, जैसे इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है औलिया का, सूफी वर्ड जो है ये कुरान की नहीं है ना हदीस की है, तो इसलिए इनके लिए टर्म यूज होनी चाहिए जो इस्लामिक टर्म है औलिया। औलिया के जो करेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए, हाँ वो मेहनत के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, उसको कुरान में एक्सप्लेन किया है कि जो जितना ज्यादा नेक, जितनी ज्यादा आपकी टर्म बोल रहा हूँ, जो जितनी ज्यादा तपस्या करेगा, जितनी ज्यादा यज्ञाएं करेगा, जितनी ज्यादा वो धर्म का पालन करेगा, उतना ज्यादा वो ईश्वर के करीब और मित्र बनता जाएगा, वो औलिया का कॉन्सेप्ट है। जो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिटहुड का, वो टोटली डिफरेंट है औलिया के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, कटरीन ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच कटर हिंदू भाई थे दोस्तों, बड़ी प्यारी इन्होंने बात की हमारे साथ। काफी अर्से बाद मैं आज देख रहा हूँ विजय मेहता भाई को, आज इनसे भी बात करते हैं। विजय मेहता भाई कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमिर भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। विजय भाई स्वागत है आपका, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ काफी लंबा टाइम हो गया, इस वाले चैनल पे तो मैं फर्स्ट टाइम आया। जी 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 हाँ, बस देखें बैन करवा दिया आपने, क्या करें फिर विजय भाई, अब क्या करें। अच्छा मेरा ना एक सवाल था, ये कुरान में एक वर्ड है मुअद्दत, तो इस मुअद्दत, हाँ इस वर्ड के ऊपर आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो आप कर दीजिए। अच्छा मुअद्दत वर्ड जो है मीम वाओ दाल और गोल ता जो है, ये वर्ड निकला है वद से, हिंदी वाला वद नहीं अरबी वाला, हिंदी वाला वर्ड तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा जी। हिंदी में वद कहते हैं किसी का खात्मा कर देना, हाँ जी, किसी को मार देना, ठीक है ना, और किसी के लाइफ को एंड कर देना, उसको बोलते हैं वद। मगर अरबी जुबान के अंदर वद्दा या वुद्दू, वद
ये जो वध है इसका मतलब होता है मोहब्बत जी, ठीक है।